सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस चीज से नवाजा मुझे, क्योंकि 2009 में डेब्यू हुआ था और पहली दफा आज 5 आउट की और वर्ल्ड कप का इवेंट है, लेकिन इसका ज्यादा मजा आता अगर जीत जाते। देखिए, जब मैंने पहला ओवर किया तो मुझे आइडिया हो गया था कि यहाँ पे स्विंग नहीं सीम हो रहा है, तो जितना मैं कोशिश कर रहा था कि आगे बॉल को फेंकू, सिर्फ लाके मैं फेंक रहा था, वहां से बॉल सीम हो रहा था, वो खुद अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था। आई थिंक इस विकेट पे सिर्फ एरिया हिट करने की बात थी जो मैं कर रहा था। नो डाउट उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की है, लेकिन हम थोड़े से आई थिंक जिस तरह का नया बॉल हमें पिच अप करना चाहिए था वो हमसे हुआ नहीं। जो 10 से पहले 15 ओवर थे, अगर वो वहां पे अगर हम गेम का कंट्रोल कर लेते आई थिंक 250-260 के अराउंड हम उनको पकड़ सकते। वी हैव टू विन एवरी सिंगल गेम नाउ, क्योंकि अब हमारे पास कोई चांस नहीं है हारने का मैच, और यही है कि हमें पॉजिटिव माइंड से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का इवेंट है, हर टीम पे प्रेशर है, एक पाकिस्तान हम पे नहीं होगा, हर टीम पे प्रेशर है, और अगर हम पॉजिटिव तरीके से खेलेंगे तो। उन्होंने एक यंग एज में बहुत ही कठिन मुश्किल राह अपनाई जहां से स्पोर्ट्समैन की वापसी नहीं होती है, मगर दाद देनी पड़ेगी इनके फैंस को जिन्होंने इनके कॉर्नर में खड़े होकर इनके लिए जंग लड़ी और दुनिया को समझाया कि इनको सजा हो गई है, माफी तलाफी होनी चाहिए, एक इंप्रेशनेबल एज में इनसे गलती हुई, बहुत बड़ा टैलेंट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जाया हो जाएगा, फिर क्रिकेट बोर्ड इनके हक में खड़ा हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट फिटिनिटी भी फाइनली इनके हक में खड़ी हो गई और इनको सेकेंड इनिंग्स के लिए मधु किया गया, मगर